हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद के लिए डिज़र्ट। उसके लिए मैंने दूध लिया है, शक्कर, सूजी, दही, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, बटर। इन सब चीज़ों को चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हमें मिक्स करना है। एक बाउल लिया है मैंने, उसके अंदर शक्कर ट्रांसफ़र कर दिया है, दही छोटी कटोरी से, एक कटोरी दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, बटर 7 से 8 टेबल स्पून के करीब है। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, इन सबको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। हम तब तक के लिए मिक्स करेंगे जबकि शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। देखिए दोस्तों, बटर, शक्कर, दही तीनों अच्छे से मिक्स हो गया है, क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। अब इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे। सूजी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम 2 कप के करीब इसमें दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी जो है वो दूध को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है। इसलिए मैंने दूध जो है 2 कप के करीब लिया है। आप देख सकते हैं सूजी ने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए दोस्तों, चेक करते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई है। इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून खाने का सोडा, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर एक बटर पेपर रख दिया है। अब इसके ऊपर हम सूजी डाल देंगे। हम इसको पैन में ही बनाएंगे, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये केक। अब हम इसे 2 से 3 बार थोड़ा टैप करेंगे ताकि जितनी एयर है बाहर निकल जाए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने कर दिया है। टेबल जो इसका है पूरा बराबर हो गया है। अब इसे हम कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। सात से आठ मिनट हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड, चेक करते हैं केक जो है वो बन के तैयार है या नहीं। नाइफ़ की हेल्प से देखते हैं। देखिए बिल्कुल भी साफ़ निकल गया है, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है। इसका मतलब है केक तैयार है। मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है, उसके अंदर मैंने दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। दूध डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, उसके अंदर मैंने 8 से 9 टेबल स्पून के करीब शक्कर डाल दिया है, क्योंकि केक में मैं पहले से शक्कर का यूज़ किया है। आप ज़्यादा मीठा कर खाते हो तो आप और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
कस्टर्ड को मैंने जो मिक्स करके रखा था अब इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जमे नहीं ना लम्स पड़े। दूध हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है, थोड़ा सा ही थिक रखना है। इसमें मैंने किसी चीज़ को और यूज़ नहीं किया है, हमें बस इसी से ही थिकनेस करनी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर हम भीगा हुआ केसर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध जो है वो थिक हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। केक को एक प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था, फोक से इसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद मैंने मिल्क कस्टर्ड केसर से बना जो मिल्क तैयार किया था उसे इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत अच्छे तरीके से डालेंगे, इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल रसमलाई जैसा ही आएगा। दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत जल्दी बन जाने वाला ये डिज़र्ट है। चलिए हम इसे नाइफ से कट करते हैं। दोस्तों आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट केक बन के तैयार है। बहुत आसानी से मैंने इसे कट कर लिया है। दोस्तों इसे बनाने के बाद आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि ठंडा करके सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट है इसका डबल हो जाता है। आप ठंडा करके ही सर्व करिएगा। देखिए दोस्तों इसे मैंने कट कर लिया था, चौकोर पीस में मैंने कट किया। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। बादाम जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था उसे ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है। आप काजू पिस्ता का भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए दोस्तों हम इसे निकाल लें, आप देख सकते हैं कितनी ईजली और कितना स्मूथली से ये निकल रहा है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप ईद पे इसे ज़रूर बनाइएगा। देखिए दोस्तों आपको कैसा लग रहा है देख के आप खुद बता सकते हैं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ईद के टाइम में आप लोग को बहुत तारीफ़ें मिलेंगी, लोग आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं, देख सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मिल्क और ऊपर से डाल दिया है, कटे हुए बादाम को ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में इसे हम बना लेते हैं। इसका टेस्ट जो है बिल्कुल रसमलाई जैसा ही आता है। आप इस स्पेशल पे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।